शनिवार का दिन यानी कि शनि देव का दिन, शनि ग्रह का दिन, जो अचानक से धन प्राप्ति कराने वाले देवता हैं। बहुत सारे लोग शनि देव से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे न्याय के देवता हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जब भी जिस भी व्यक्ति पर भगवान शनि देव की कृपा प्राप्त होती है तो रंक से राजा और राजा से रंक बनाने की काबिलियत केवल शनि ग्रह के पास मौजूद होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग इस तरह का कोई कार्य करते हैं जिसमें अचानक से धन प्राप्त होता है, जैसे कि शेयर मार्केट, लॉटरी आदि वगैरह, तो उन सभी चीजों में केवल शनि ग्रह की ही कृपा से अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। केवल शनि ग्रह ही ऐसा ग्रह है जो अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाता है और बड़ी आसानी से शनि ग्रह की कृपा पाई जा सकती है। और आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको जो कोई भी व्यक्ति करता है उसके जीवन में अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को आपको देखना है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें, क्योंकि केवल इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि शनिदेव स्वयं भी भगवान शिव के ही भक्त माने जाते हैं और खास करके शनिवार के दिन अगर जो कोई भी व्यक्ति शिवलिंग पर शमी का फूल चढ़ाता है तो ऐसे में तुरंत ही उसके जीवन में शनि के अच्छे प्रभाव शुरू हो जाते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि जिस भी व्यक्ति का शनि ग्रह खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी वाणी पर अवश्य ही नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति की वाणी बेकार होती है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की वाणी से हमेशा क्रोधित शब्द ही निकलते हैं तो ऐसे में उस व्यक्ति को शनि के दुष्प्रभाव देखने को काफी ज्यादा मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अचानक से धन प्राप्ति के योग हमेशा ही बने रहें और आपको अचानक से धन प्राप्ति होती रहे, तो उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि अपनी वाणी को मधुर करना बेहद आवश्यक है। दूसरी चीज ये है कि जितने भी आपके पुराने कपड़े होते हैं, पुराने जूते होते हैं, पुरानी चप्पलें होती हैं, उन्हें शनिवार के दिन अवश्य ही दान कर दिया करें, खास करके गरीबों को, क्योंकि जितना आप गरीबों की मदद करते हैं या जिन लोगों को जरूरत होती है ऐसे लोगों की मदद करते हैं, तो इससे शनि ग्रह काफी ज्यादा प्रसन्न आप पर हो जाते हैं और इससे भी अच्छे प्रभाव शुरू हो जाते हैं, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसी के साथ सबसे ज्यादा खास प्रयोग ये है कि शनिवार के दिन अगर शमी के पौधे की जड़ को निकाल कर आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो इससे भी अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। आपको ये भी बता दें कि जो पर्स होता है उसमें धन का स्थान यानी कि माता लक्ष्मी का स्थान होता है, और जहाँ पर माता लक्ष्मी का स्थान होता है और वहाँ पर शनि ग्रह से जुड़ी हुई चीजों को रखा जाता है तो इससे काफी ज्यादा धन में वृद्धि होती है। आपको ये भी बता दें कि जब भी शनि के अच्छे प्रभाव शुरू होते हैं तो इससे व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर उसके जीवन में उसे प्राप्त होते हैं कि अचानक से वह खूब सारा धन प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि रंक से राजा बनाने की काबिलियत केवल शनि ग्रह के पास मौजूद होती है। अगर आपके मन में ऐसी इच्छा है कि आप तुरंत ही अचानक से खूब सारा धन कमा सकें तो आपको निश्चित ही शनि ग्रह से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए। शमी का जो पौधा होता है शनिदेव को अति प्रिय होता है, अगर शमी के पौधे की भी सेवा आप करना शुरू कर देते हैं तो इससे भी शनि के अच्छे प्रभाव शुरू हो जाते हैं। शनिवार के दिन लोहा दान या फिर सरसों के तेल में छाया दान करना भी काफी ज्यादा लाभदायक बताया जाता है, खास करके उन हालातों में जब शनि के दुष्प्रभाव, शनि की महादशा आपके जीवन में काफी ज्यादा चल रही हो। आपको ये भी बता दें कि जब भी शनि के दुष्प्रभाव चलते हैं तो इससे व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही गिरावट आने लग जाती है। जितनी भी चीजें वह करता है वह हमेशा ही हारता चला जाता है और उसका अंदर से मन बिल्कुल टूट जाता है। शनि की महादशा में व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं कर पाता है और जिस भी चीज को करने की कोशिश करता है हमेशा ही उसे हार मिलती ही चली जाती है। तो ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, अगर आप उन चीजों को करते हैं तो इससे शनि के दुष्प्रभाव तुरंत ही समाप्त होते हैं और अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। खास करके शमी के जो पौधे की जड़ है उसे आप अपने पर्स में या फिर तिजोरी में अवश्य ही रखा करें। जब भी आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आपको हमेशा हार ही मिल रही है और जो भी कार्य करते हैं, खास करके धन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उनमें निराशा मिलती है, तो आपको केवल इतना करना है कि शमी के पौधे के पास बैठना शुरू कर देना है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें एक गजब की शक्तियाँ होती हैं, अलग अलग ग्रह की शक्तियाँ होती हैं, तो बस अगर शमी के पौधे के पास आप बैठना शुरू कर देते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट शनिवार के दिन या फिर रोज भी अगर बैठते हैं तो इससे भी अच्छे प्रभाव शुरू हो जाते हैं। बल्कि आपको तो अवश्य ही अपने घर में शमी का पौधा लगाना चाहिए और अपने ही जो घर में पौधा लगाते हैं उसमें जो फूल उगते हैं वही फूल आपको शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से तुरंत ही भगवान शिव की कृपा तो प्राप्त होती ही है और शनि ग्रह की भी कृपा प्राप्त होती है।
अगर आपके जीवन में कोई और समस्याएं हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दें, जिससे आने वाले वीडियोस में उन समस्याओं के ऊपर निश्चित ही बताया जाएगा। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।